हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिरुद्ध तिवारी और आप सबों का क्रेजी टू लर्न चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, पादपों में पोषण। ये कक्षा सातवीं का विज्ञान पुस्तक है और जिसमें पहला जो पाठ है वो पादपों में पोषण है। इसको हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ेंगे बाद में, पहले हिंदी से आप लोगों को समझा देते हैं। एनसीईआरटी पुस्तक है ये, तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि कक्षा छः में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं, यानी इसके बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता। यानी तो इसके बिना इंसान का ही नहीं, हमारे जितने सारे पेड़ पौधे हैं उसका भी जीवन नहीं चल सकता। तो इन्हें क्या कहेंगे? पोषक कहेंगे। तो पोषक में क्या क्या चीज़ें मिल रही है? तो मिल रही है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। ये भोजन के घटक है और इसी भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है सारे कार्य करने के लिए, और इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप का अर्थ क्या होता है? पादप का अर्थ होता है पौधे। यानी स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं? पौधे बना सकते हैं। परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे किस पर निर्भर करते हैं? वे पौधों पर निर्भर करते हैं या अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादों पर निर्भर करते हैं। चाहे कोई भी प्राणी हो, कहीं न कहीं वो पादप पर ही निर्भर है, यानी पेड़ पौधे पर ही निर्भर है। अब 1.1 में देख रहे हैं आप कि पादपों में पोषण विधि कैसे होती है। केवल पादप ही ऐसे जीव है, यानी पौधे ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को हम लोग पोषण कहते हैं। क्या? किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। और पोषक किसे कहते हैं? पोषक यानी वैसी चीज़ें जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज भोजन के घटक होते हैं और ये घटक ही हमारा पोषक कहलाते हैं। पोषण की ये विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब खुद बनाते हैं, वह स्वपोषण कहलाती है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं, यानी जो भोजन अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। यानी वैसे जीव वे जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, यानी अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं, वो विषमपोषी कहलाते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो एक एक करके हम लोग इस विषय पर जानेंगे, समझेंगे कि क्या क्या है। तो पहला हमने सीखा और पढ़ा पादपों में पोषण विधि कैसे होती है। स्वपोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? पोषक किसे कहते हैं? स्वपोषी किसे कहते हैं? विषमपोषी किसे कहते हैं? अब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है, वो कैसे? तो पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पौधे जो है उसकी खाद्य फैक्ट्री पत्तियां होती है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ते की सतह उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ये रंध्र द्वार कोशिकाएँ द्वारा घिरे होते हैं और ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमारा कोशिकाएँ हैं यानी सेल है, आपने देखा कि इमारतें ईंटों से बनती है। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं।
कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। इंग्लिश में इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो एक आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, ये फोटो ये केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है, कोशिका झिल्ली है, तो ये पूरे कोशिका का चित्र दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे जाने के रंध्र किसे कहते हैं। अब हम लोग जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएँ नली के समान होती है तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे, वो उसके बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। पत्तियाँ जो हरे होते हैं, हरी होती है, वो किसके कारण, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी जिसे सौर प्रकाश भी कहा जाता है की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती के सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा, क्या देखा, कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है अतः तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, यानी सनलाइट सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है, हो ही नहीं सकता। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएँ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। आप देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मित होती है। कार्बोहाइड्रेट अतः पत्तियों में मंड मतलब स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जो है एक पत्ती है, आप देखे ही होंगे, उसमें उसके अंदर के पार्ट को दिखाया गया है, क्लोरोफिल है, कहाँ कराता है, कोशिकाएं कैसे है पत्ती, फिर एक बताया गया है कि द्वार कोशिकाएं कैसी होती है, उसके अंदर भी रंध्र होते हैं। तो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का चित्र है ये। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो ये फोटो देखकर आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एक पौधा है, सौर ऊर्जा मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और साथ में पत्तियों में क्लोरोफिल है और जल एवं खनिज नीचे से ले रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए यानी फोटोसिंथेसिस को बताने के लिए सबसे अच्छा। अब देख रहे हैं कि पादपों में पोषण, तो कैसे समझेंगे इसको? अब यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ है कि एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिए पौधे के, एक को अंधकार में रख दीजिए 72 घंटों के लिए, दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। अब दोनों में आपको पता चल जाएगा कि किसमें किस क्लोरोफिल की कमी के कारण क्या होता है, उसका रंग जो है वो दूसरा हो जाएगा। और इसके बाद देखते हैं कि अपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी मतलब काई जैसे पादप, हम लोग काई बोलते हैं, वे सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल भी कहा जाता है। अब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें से क्लोरोफिल होता है जिसके कारण हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खादों का संश्लेषण, अभी तक आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम क्या है, कैसे वो करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग
अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ जिसमें कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, हम लोग पहले से भी जानते हैं, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तन कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। ये विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। और संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थ की बहुत मात्रा होती है, प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादप नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है, जिसके पश्चात पादप यानी पौधे खाद्य के अन्य संगठनों जैसे कि प्रोटीन वसा का संश्लेषण करती है और सारी ज़रूरतें उनकी पूरी हो जाती है। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, देख रहे हैं हम लोग 1.3 में कि लिखा हुआ है कि पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ क्या है। हमने तो कुछ विधियों के बारे में पढ़ा, और क्या क्या विधि हो सकती है? कुछ पादप पौधे यानी ऐसे भी है जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं वो पत्ते में, तो पाया ही नहीं जाता, फिर कैसे होगा? वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, तो वे कैसे जीवित रहते हैं तथा पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, हम लोग पहले पढ़े विषम पोषी प्रणाली का उपयोग कैसे करेंगे, यानी अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होना। क्या आपको एक वृक्ष के तने और शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? हम लोग इस फोटो में देख रहे हैं, हम लोग गाँव में भी देखे होंगे किस तरह के पेड़ पौधे में पीले कलर के पूरे रहते हैं। ये अमरबेल का पादप है, अमरबेल का पौधा कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर आरोहित रहते हैं। यानी ये जो पीला कलर का जो पौधा देख रहे हैं आप लत जैसा, वो जिस पौधे के ऊपर रहेंगे अपना भोजन उसी पौधे से ले लेते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, वो पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी भी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस प्रकार विचार करना चाहिए, अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। तो हम लोग अच्छे से अमरबेल के बारे में जानें, क्योंकि वो जिस पौधे पे रहता है उसी से वो पोषण लेता है। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? क्या पौधे भी जो है कीट मकोड़े खाते हैं? कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं, क्या ये विषमयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या किस रंग के हो सकते हैं? इनकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग, पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है और घड़े के अंदर अनेक क्रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं, आधा मुख खुला हुआ। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसके क्रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है और कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं जो पौधे कीटों को खाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संड्यू कीट भक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण जिनके बारे में आप अभी पढ़ रहे हैं। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से भी सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता है? अब 1.4 में देख रहे हैं हम लोग कि मृत जीवी अपने बाजार में छत्रक यानी मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियाँ अथवा तने या छाल पर छाते के समान संरचनाओं को गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और इन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं मशरूम के बारे में, ये देखिए मशरूम का फोटो आप देख रहे हैं कि छत्रक के पैकेट यानी मशरूम के पैकेट सड़ी गली वस्तु पर उगा मशरूम। अब एक क्रियाकलाप और है आपके पास कि डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो ले, किसी के नाम उसमें स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, उस समय तक रखा रहने के जब उस पर रोएं जिसकी संरचना नहीं दिखाई देने लगे। यानी घर में भी ब्रेड जब कुछ दिनों तक रह जाता है तो उसके ऊपर में
कुछ जो है वो कवक जैसा हो जाता है। जैसे देखिए ब्रेड पर देखे होंगे आप इस तरह का फोटो देखकर, तो उसे कवक कहते हैं या और या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली पोषण विधि विभिन्न भिन्न प्रकार की होती है और ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं को सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। कवक यानी फंजाई, अचार,